सबको नमस्कार। मैं गोपाल कुमार वर्मा आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। पिछले वीडियो में जो वीडियो नंबर 33 था उसमें डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज को हम लोगों ने 20 मिनट के शॉर्ट में कंप्लीट किया। आपका कमेंट हमको बताया कि आपने एग्जाम्पल सहित एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आज मैं आपके लिए 30 मिनट का शॉर्ट लेकर आया हूं और वो शॉर्ट 12th क्लास का मैथ्स डेरिवेटिव्स ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का है। आज डिफरेंशिएशन का 34वां वीडियो आप देख रहे हैं। आपको आज के वीडियो में 9 क्वेश्चन बताया जाएगा, जो कुछ कुछ क्वेश्चन जो सेम होगा आपके होमवर्क के लिए होगा और इसमें जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये सारा क्वेश्चंस जो है सो पहले आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ यहां डेरिवेटिव्स ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है। पिछले जितने भी वीडियो में आपने पढ़ा उसमें सब में पढ़ा कि फाइंड dy by dx, यहां du by dv है, मतलब एक को u मानना होगा दूसरे को v मानना होगा और एक को u दूसरे को v मानेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके एक के बट्टे में दूसरे को कर देंगे तो ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट x का पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू 1/√x, दूसरा है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू cot x, तीसरा है e का पावर sin x को cos x के रिस्पेक्ट में करना है, चौथा tan इनवर्स √(1 − x²/1 + x²) को cos इनवर्स x² के रिस्पेक्ट में करना है, पांचवा tan इनवर्स 2x/1 − x² को sin इनवर्स 2x/1 + x² के रिस्पेक्ट में करना है, छठा tan इनवर्स x/√(1 − x²) को cos इनवर्स 2x²-1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सातवां क्वेश्चन जो है सो cos इनवर्स 1 − x²/1 + x² को tan इनवर्स 3x − x³/1 − 3x² के रिस्पेक्ट में करना है, और आठवां क्वेश्चन है tan इनवर्स √(1 − x²/x) विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x √(1 − x²। तो ये आठ क्वेश्चन में लगभग 5 या 6 क्वेश्चन हम बता देंगे, पूरा का पूरा चैप्टर चाहे वो किसी भी राइटर का हो कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन x का पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू 1/√x। पहला दो है, एक को u मानना है, क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है एक बार। ये है x का पावर 6 को 1/√x के साथ डिफरेंशिएट करना, तो एकदम सिंपल, एक को u मानेंगे x का पावर 6 को और एक को भी मानेंगे, एक को भी मानेंगे 1/√x। देखिए आपको इतना आसान लगने वाला है कि करना नहीं, बहुत आसान, बिल्कुल आसान, जरूरत से ज्यादा आसान। x का पावर 6 एंड भी बराबर 1/√x, एक को u मान ली एक को v, dw(r)2x x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो du/dx बराबर 6x का पावर 5, 6x का पावर 5 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे dw(r)2x, तो dv/dx बराबर 1/√x का डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं −1/2x²/3/2। यदि आपको यह फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि डिफरेंशिएशन का फर्स्ट वीडियो आप देख लें,
आपका ये फॉर्मूला का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। खैर ये आसान है, आप जानते हैं, फिर भी यहां ध्यान देंगे आप। सिंपल, इतना सिंपल कि आपको कल्पना भी नहीं कर सकते कि इससे भी सिंपल हो सकता है क्या। बिल्कुल सिंपल, एक को यू, एक को भी मान लिया, यू को डिफ्रेंशिएट कर दिए और भी को भी डिफ्रेंशिएट कर दिए। उसके बाद नाउ, अब डी यू बाई डी भी निकालना है, डी यू बाई डी भी निकालना है। तो यहां डी यू बाई डी एक्स और डी भी बाई डी एक्स कर देंगे। तो इस कंडीशन में ये एक्स से एक्स कट जाएगा तो डी यू बाई डी भी बचेगा, ये कट जाएगा तो डी यू बाई डी भी, मतलब डी यू बाई डी एक्स कितना आया, 6x का पावर 5 और ये आ गया -1/2x का पावर 3/2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -6 × 12x का पावर 5 और x का पावर 3/2, 12x का पावर 5 × 10 = 13 पावर बेस सेम रहता है तो पावर मिल जाता है, तो 5 + 3/2 10 + 3 = 13/2, तो यहां हो जाएगा आपका 13/2, यही आपका आंसर हो गया। तो कितना आसान, आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, एक को यू मानना है, एक को भी, एक को यू एक को भी, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और इसका बटा इसको कर दीजिए, फर्स्ट बटा सेकेंड करने के बाद हल कर दीजिए, ये आंसर आपका आ जाएगा। यहां थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं आपको दिखा दूं, रेड पेन से दिख देता हूं, 5 × 10 = 13/2 है, यही आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, बनाते बनाते आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतना इजी है। सेकेंड क्वेश्चन है, आप देख ले, लॉग एक्स और कॉट एक्स, तो एक को लॉग एक्स मानना है तो दूसरे को कॉट एक्स। दूसरा नंबर, एक को लॉग एक्स और दूसरे को कॉट एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, DWR2X। पहला क्वेश्चन था थोड़ा नया जैसा लगा होगा, लेकिन अब बिल्कुल नया नहीं लगेगा। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, DWR2X। तो DV/DX बराबर कॉट एक्स का -cosec² x। इसके बाद नाउ, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, DU/DV, DU कितना है 1/x, DV कितना है -cosec² x। सिंपल, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इतना बटा इतना कर दिए, आंसर एकदम सिंपल। आपको भी ताज्जुब लगेगा, इतना आसान आंसर हो सकता है क्या। -1/x, कॉसेक ऊपर जाएगा तो sin² x। एक राइटर ने, मैंने इस क्वेश्चन को देखा जिसमें आंसर दिया हुआ था sin inverse x, तो वो गलत है, आप उसको सुधार देंगे और आंसर रियली -1/x (sin²x) होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट बना दिए, सेकेंड बना दिए, थर्ड, e का पावर sin x को यू मान लेंगे, e का पावर sin x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर sin x और sin x का cos x और cos x का -sin x, इतना बटा इतना कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। एक इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, थर्ड पहला दूसरा जैसा है, आसान है, बनेगा तो अच्छी बात, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बना दूंगा, एकदम सिंपल, आप जरूर बना लें। तो कहां गया, tan inverse 1 - x² क्वेश्चन नंबर 4, u = tan inverse √(1 - x²/1+x² और भी आपका cos inverse x² थोड़ा सा बड़ा जाएगा लेकिन आसान होगा।
थोड़ा ध्यान देंगे आप, रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा, वही चैप्टर जो पहले हम लोग बना चुके हैं पुट करके, कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, आपको याद आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, वन माइनस कॉस थीटा को टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, कलर चेंज करके देखते हैं, U बराबर दिख रहा है, वेरी गुड, ये भी दिख रहा है, ज्यादा साइन नहीं कर रहा है, टैन इनवर्स ये दो से ये दो कैंसिल, तो क्या बच गया टैन स्क्वायर थीटा बाई टू, स्क्वायर से रूट खत्म, U बराबर टैन इनवर्स टैन थीटा बाई टू, U बराबर थीटा बाई टू, U बराबर वन बाई टू और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी थ्री बाई डी एक्स कितना जाएगा माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर टू एक्स, एकदम सिंपल सिंपल सिंपल, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन बाय वन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का टू एक्स, इसको अरेंज करके लिख दिया, सेम इसमें ये भी को सॉल्व किया, ये यू है और वही सेम चीज है, थोड़ा छोटा कर दे रहे एक ही लाइन में सॉल्व के चलते, डी डब्ल्यू आर टू एक्स डी यू बाई डी एक्स बराबर वन बाय टू, इसका हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेम यही चीज आ गया ना दोनों में, सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर यहां भी है यहां भी, तो हम लोग लिखेंगे ये टू से ये टू कैंसिल, माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स का पावर चार, नौ अब डी यू बाय डी वी, डी यू कितना आया माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स का पावर फोर और ये कितना आया माइनस टू एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स का पावर फोर, यहां एक्स बचा हुआ, तो से ये कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल माइनस से माइनस कैंसिल, तो वन बाय टू बच गया सिर्फ, इतना सिंपल, मतलब मोटा मोटी वन फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में यदि डिफ्रेंशिएट करना है, मैं इसको बड़ा करके बोलता हूं ताकि आप समझते भी रहे, डिफ्रेंशिएट करना है तो उस कंडीशन में वही सेम चीज यहां भी है, उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, दो चीज दिया है, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करके दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करके पहले वाले बटा दूसरा बटा कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझाना चाहूंगा आपको, क्वेश्चन है यू बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्रश्न उठता है सर आपने एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा क्यों माना, वन प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो एक्स बराबर टेन थीटा मानते हैं, पहले रूल था, लेकिन यहां पे रूट के अंदर और अगर हम टेन मानेंगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, साइन मानेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन नीचे वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये दोनों फॉर्मूला में आ जाए और टूट जाए, इसलिए एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा माने। अब आप समझ गए क्यों माने, कॉस थीटा रखिए, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन प्लस कॉस थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू कट गया टेन इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बाय टू है तो बाय टू, रूट से टू खत्म, टेन थीटा बाय टू, टेन टेन कैंसिल थीटा बाय टू, यहां वन बाय टू और थीटा बराबर यहां हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, भी अपने पास यही है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, दोनों सेम आ गया, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिए और बटा कर दिए, तो आंसर अपना कितना आ गया
प्लस 1/2, ये आपका कंप्लीट एक जगह पूरा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल शॉर्ट लेशन है, बहुत आसान मतलब बहुत आसान। ये हमने बना लिया, ये बना लिया, ये सिर्फ होमवर्क में है आपका, ये होमवर्क में, ये 4 नंबर बना दिया, 5 बनाने जा रहा हूं। और 5 एक लाइन मतलब एक लाइन का इजी, 6 उसी के जैसा, 7 उसी के जैसा, 8 भी उसी के जैसा, सब वही पुराना ही क्वेश्चन है। तो आते हैं क्वेश्चन है, टेन और शाइन 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 5, यू बराबर टेन इनवर्स 2x/1 - x² और भी बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x². आपको याद होगा, नहीं होगा तो फिर मैं लिख रहा हूं यहां पे, रेड पेन से लिख दे रहा हूं, 2 tan inverse x = sin inverse 2x/1 + x². अगर इसको cos में लिखना हो तो 1 - x² / 1 + x², और अगर tan inverse पे लिखना हो तो 1 - x². अब आपको पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। यहां देखते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, इतना बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 tan inverse, कितना इजी है ना बाबू, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना, dWr^3x, तो du/dx कितना हो गया, 2/1 + x². यहां भी देख लीजिए, भी बराबर, ये भी 2 tan inverse x हो गया, क्यों, क्योंकि sin inverse 2x/1 + x² बराबर 2 tan inverse x², dWr^2x, dv/dx बराबर 2/1 + x², दोनों में सेम आ गया। अब यहां देखेंगे, नाउ du/dv कितना है, 2/1 + x² और ये है 2/1 + x², दोनों कट गया, ये से ये कट गया, तो बच गया। बहुत मजा आने वाला ये लेशन में, आपके पास एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, अवश्य बनाए। और अभी मात्र 18 मिनट हुआ, 2 क्वेश्चन मात्र बच रहा होगा, 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो 1 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, 2 क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि 20 से 25 मिनट में ये पूरा लेशन फाइनल होगा। लेशन का मूल मंत्र क्या है, लेशन का मूल मंत्र है, एक को डिफ्रेंशिएट करके दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए और एक का बटा दूसरे को कर दीजिए, फाइनल आंसर। नया इसमें कुछ नहीं है, ये जो भी पढ़े हम लोग पहले, इसको हमने बता चुका हूं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन टॉपिक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट टेन इनवर्स x/√1 - x², u बराबर टेन इनवर्स x/√1 - x², और यहां था cos ही बराबर cos इनवर्स 2x² - 1 - x², वो तो क्या पुट करते हैं आप याद कीजिए, तो पुट करेंगे हम लोग x बराबर sin थीटा, क्यों, क्योंकि 1 - sin² θ बराबर cos² θ, और ये आसानी से सॉल्व होने वाला है। ये पिछले ही लेशन का क्वेश्चन है, सिर्फ यहां 2 जगह अलग अलग दे दिया, ये साइन थीटा और इस
ये cos थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद करा दे रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि डायरेक्ट आप लिख दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म तो cos थीटा, तो u बराबर tan इनवर्स साइन बाय cos थीटा, तो u बराबर थीटा, थीटा कितना को लिख सकते हैं यहां से, साइन इनवर्स x dw r 2x du by dx बराबर साइन इनवर्स x का क्या होगा याद कर लो, वन बाय रूट अंडर वन माइनस x स्क्वायर। अब यहां भी पुट करना पड़ेगा x बराबर क्या साइन थीटा, क्यों क्या क्यों का आंसर अगर आपके पास है तो आप मैथ अच्छा बना लेते, और आंसर नहीं है तो आप फॉर्मूला याद नहीं किए, मेहनत कम कर रहे, क्यों तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां पे हम लोगों को cos 2 थीटा sin जगह पे cos मानना होगा, क्या मानना होगा cos, क्यों क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा sin थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा, भी बराबर 2 थीटा, 2 और थीटा कितना को cos इनवर्स x को dw r 2x dv by dx बराबर माइनस cos इनवर्स x का 1 by 1 माइनस x स्क्वायर, नाउ अब du by dv बराबर du कितना आया 1 by dv कितना आया माइनस 2 by रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, इससे इससे ये कट गया बच गया आपके पास 1 by माइनस 2 आंसर। हाँ यहां पे कंफ्यूजन ना हो ये फिर एक बार समझा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 है शायद, 5 देख ले 5 है 5 5 6 है 6 इसको 6 बना cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है आप इसको देख ले, बस यहां पे हम थोड़ा छोटा करके या इसको रहने देते हैं, फॉर्मूला ही बता देते हैं ऐसे नीचे नोट सब याद रखना चाहिए आपको, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos क्यों माने क्योंकि अगर cos यहां रखेंगे तभी तो cos 2 थीटा रखेंगे, इसीलिए तो आपको ये कंफर्म कर दे कि आखिर यहां हमने cos क्यों माना, तो यहां cos स्क्वायर रहेगा तभी ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो आप इसी तरह से सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाएं, एग्जांपल को बनाएं और रूल सिंपल सेम जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको देख के बता देता हूं आप कौन सा बना लेंगे और कौन सा मैं बना दूं, मैंने फर्स्ट बना दिया सेकंड बना दिया थर्ड इसी पे है सिंपल, 4 बना दिया 5 बना दिया 6 बना दिया, ये भी सेम उसी तरह है, यहां पे x के जगह पे हम लोगों को क्या मानना है tan थीटा, यहां x स्क्वायर की जगह पे आप tan थीटा मान लीजिए तुरंत बन जाएगा 7 में, और यहां भी tan थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, आप अवश्य बनाए, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दे मैं नहीं बना पाया, और अगर बन जाता है तो लिखे क्वेश्चन बन गया। 7 में फिर से दोहरा दे रहा हूं x स्क्वायर बराबर tan थीटा मानेंगे तो 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, और फिर 1 को tan 45 माइनस tan थीटा बाय 1
प्लस टेन पैतालीस इंटू टेन थीटा, या सीधा ही ये तो फॉर्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स का, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, या इसको बता ही देता हूं, एट नंबर एक्स के जगह पे साइन थीटा पुट कर देना, आराम से बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। एट में एक्स के जगह पे साइन थीटा, ये टेन वाला है थोड़ा आपको अगर लेंदी लगेगा तो हम सेवन ही बता देते हैं। एट में सिर्फ एक्स बराबर क्या मानेंगे आप, साइन थीटा, एट लास्ट सॉरी सेवन ना सेवन यू बराबर एंड भी बराबर, यू बराबर क्या था कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और भी है टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। दिखा दो क्वेश्चन एक बार और ताकि आप कंफर्म हो जाए, थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये रहा बस एकदम इतना सिंपल, बिना माने भी इसको हम बना सकते हैं, यू बराबर ये टू टेन इनवर्स एक्स का है, ये देख लीजिए कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर टू टेन एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा लॉन्ग करके बना भी लेता हूं, टू एक्स बराबर टेन ही बराबर टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, तो भी बराबर टेन इनवर्स ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, मुझे लगा कि आप इसको नहीं बना पाएंगे इसलिए इसी को बना दिया, टेन इनवर्स एक्स डी डब्ल्यू आर टू एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर थ्री बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल ये टेन थ्री थीटा का, टेन टेन खत्म थ्री थीटा थीटा टेन इनवर्स, यहां से एक्स तो थ्री बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहां पे नौ, इसके बाद डी यू बाई डी वी, डी यू कितना है दो बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना है थ्री बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये चला गया बच कितना गया दो बटा तीन, आंसर। तो फाइनली बार बार क्या बता रहा हूं मैं आपको, ये बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करके सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों को बटा में कर दीजिए, आंसर। अभी एक मिनट और बच रहा है तो लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही देते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर एट, 30 मिनट में बोले कि 30 मिनट में पूरा क्लियर, तो पूरा क्लियर कर ही देता हूं, ये एट नंबर टेन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, लास्ट क्वेश्चन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और भी बराबर टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहां शायद कॉस इनवर्स था, तीस मिनट में कंप्लीट, तो 30 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, एक मिनट में तुरंत पुट एक्स बराबर साइन थीटा, यू बराबर टेन इनवर्स वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, यू बराबर टेन इनवर्स वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर खत्म तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यू बराबर टेन इनवर्स
कॉट थीटा यू बराबर टेन इनवर्स टेन 90 माइनस थीटा यू बराबर 90 माइनस थीटा यू बराबर 90 माइनस थीटा कितना को माने ये कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स टू डी डब्ल्यू आर टू एक्स डी यू बाई डी एक्स बराबर जीरो साइन इनवर्स एक्स का वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस में इतना यहां क्या प्रूफ कर दें एक्स बराबर साइन थीटा कॉस इनवर्स पहले बता चुके हैं कि क्यों ऐसा मानते रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर को बताते हैं तो साइन थीटा या कॉस थीटा मानते हैं तो साइन थीटा और ये कॉस थीटा वही बराबर कॉस इनवर्स साइन टू थीटा वही बराबर कॉस इनवर्स इसको कॉस 90 माइनस टू थीटा लिख सकते हैं वही बराबर 90 माइनस टू थीटा कॉस कॉस कैंसिल 90 माइनस टू थीटा साइन इनवर्स एक्स डी डब्ल्यू आर टू एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर जीरो 90 कर जीरो और टू बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और इसलिए नाउ डी यू बाई डी वी ये आपका डी वी माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस टू बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इससे ये कैंसिल माइनस से माइनस कैंसिल आंसर वन बाय टू तो पूरा क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिया मैं सोचा इसको होमवर्क दे देता हूं लेकिन एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आप इसको आसानी से पढ़ पाए घर पे पूरा प्रैक्टिस कर पाए थैंक यू और हाँ एग्जाम्पल्स सही आप अवश्य बना लें धन्यवाद